पुरुष हो या महिला, हर व्यक्ति चाहता है कि अपनी सेक्स ड्राइव अच्छी हो, सेक्स में इंटरेस्ट हो, लिबिडो अच्छा हो, सेक्स में रुचि हो, मगर कुछ कारणवश ऐसा होता नहीं है और इसके लिए फिर वो डॉक्टर के पास में जाते भी नहीं है। देखो, सेक्स में इंटरेस्ट रहना, कामेच्छा होना हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। लिबिडो, सेक्स ड्राइव अच्छी होना हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। तो चलो आइए मैं बताता हूँ आपको ऐसे चार फूड्स कि जो आप नियमित मात्रा में लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी कामेच्छा बढ़ जाएंगी। आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखिए, जो कामेच्छा है या सेक्स ड्राइव है, इच्छा ही नहीं है, तो उसमें कारण हो सकता है कि एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, फिर शराब का सेवन आप करते होंगे, स्मोकिंग की लत है, कोई गंभीर रोग आपको है, फिर दवाइयाँ अधिकतर ले रहे कोई कारण से या कोई बीमारी है, तो रिश्ते में दूरी आ गई या तनाव आ गया है, नींद बराबर नहीं हो रही है, डिप्रेशन है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि जिससे इच्छा ही नहीं होती। तो इसके लिए आप अपने खान पान में यदि ये चीज़ें लाते हैं चार, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो नंबर एक, ब्रोकली। तो ये जो वेजिटेबल है, ये विटामिन सी से बहुत ज़्यादा, मतलब अबेंडेंस उसमें विटामिन सी है। ब्रोकली आप सब्जी में यूज़ करते हैं, इससे सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा बढ़ता है विटामिन सी से, और ब्रोकली से बहुत ज़्यादा फायदा सेक्स ड्राइव में होता है। तो रेगुलरली आप ब्रोकली का इस्तेमाल आपके सब्जी में, आपके भोजन में आप कर सकते हैं। नंबर दो, अंडे, एग्स। उबाल कर खा सकते हैं, और उबाल कर अंडे खाए तो सबसे बेस्ट है उबाल कर अंडे खाना। इसके अलावा आप ऑमलेट बनाकर, भुर्जी, फिर एग करी, ऐसे अलग अलग तरीके से उसको बना के आप खा सकते हैं। प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं, और अंडा खाने से आपको बहुत अच्छी ताकत भी आ जाएगी, प्रोटीन युक्त आहार है, और आपकी मसल पावर भी अच्छी होंगी, स्टेमिना भी बढ़ जाएगा। नंबर तीन, अदरक, जिंजर। इसमें ब्लड सर्कुलेशन जिंजर बहुत अच्छा करता है पूरे बॉडी में, तो जिंजर लेना चाहिए। जिंजर और गुड़ के लड्डू बनाते हैं हमारे यहाँ, जिंजर और शक्कर के लड्डू बनाते हैं, घी, जिंजर और शक्कर ऐसे, तो उसका सेवन आप कर सकते हैं छोटी मात्रा में, कम मात्रा में, या सिंपल है कि अदरक की चाय बनाओ, जिंजर की चाय रेगुलरली आप चाय लो, बहुत ही गर्म लग जाएगा और अच्छा लगेगा, आपका डिप्रेशन निकल जाएगा, आपको तारा, मतलब एकदम ऐसा एकदम एनर्जेटिक लगेगा। जिंजर की चाय लेते तो गर्म कान भी ऐसे गर्म हो जाते हैं और इच्छा हो जाती है। नंबर चार, सैफरन या केसर। केसर युक्त दूध, वो तो पहले नाइट में दिया जाता है, फर्स्ट नाइट में, यदि हनीमून की फर्स्ट नाइट होंगी या सुहागरात है तो उसमें केसर, क्योंकि सैफरन ये नॉन एफ्रोडाइजियाक है, कामेच्छा बढ़ाता है। सैफरन बहुत ही कॉस्टली है वैसा, सैफरन आप कम मात्रा में रोज दूध के साथ में, एक कप दूध और सैफरन मिला के आप लेते हैं और सैफरन का सेवन करते हैं तो डेफिनेटली आपकी कामेच्छा बढ़ जाएगी। तो ये चार पदार्थ जो है रेगुलरली है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठे बैठे इसका इस्तेमाल करके, और दोनों भी मियाँ बीवी, पति पत्नी दोनों भी ले सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, पुरुष हमारे पास में आते बोलते कि मेरी पत्नी की इच्छा ही नहीं है, वो कोऑपरेट ही नहीं करती, उसको मज़ा ही नहीं आता है, तो डेफिनेटली दोनों भी लेते हैं तो दोनों की भी इच्छा बढ़ेगी और दोनों भी अपना सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकेंगे। क्या अल्टीमेटली सेक्स ड्राइव नहीं है तो उसका असर वैवाहिक जीवन पर पड़ता है, दोनों में तू तू मैं मैं होती है। सेक्स लाइफ ठीक नहीं है तो कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है, सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, तो इसलिए अपनी सेक्स लाइफ जो है वो एकदम, मतलब सेक्स फिटनेस होना ये बहुत ही जरूरी है, सेक्स फिट होना बहुत ही जरूरी है। तो ये आपने खान पान में लाना है, डेफिनेटली फायदा होगा, और आपको तुरंत चाहिए तो फिर तो दवाई है ही, सिलनाफिल है, टाडालाफिल है, वर्धनाफिल है, एवेनाफिल है, ये सब PDE5 इनहिबिटर से दवाई का हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो दवाई भी काम में आ जाएंगी। वीडियो आपका अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आप आपका ख्याल रखिएगा, परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत वर्थ है, बहुमूल्य है। थैंक यू वेरी मच।